गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 6 देख रहे थे एसएसटी में हम लोग, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। ओके, इसमें हम लोग ने देख लिया था द कोस्टल प्लेन्स, ये हो गया था हम लोगों का द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये भी हो गया था द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये भी हो गया था और द आइलैंड्स, यहां तक हम लोगों ने कर चुका था। और आज हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एंड लक्षद्वीप आइलैंड। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और सुन के खुद भी रीडिंग करेंगे घर में। ओके, अंडमान एंड निकोबार। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू ग्रुप्स ऑफ ओवर 350 आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो आपका अंडमान एंड निकोबार है ये दो ग्रुप में आपका बटा हुआ है और इसमें 350 आइलैंड इसमें इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ है। दे सेपरेट ओवर 8000 स्क्वायर किलोमीटर, ये कहाँ पर फैला हुआ है, 8000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो आपका अंडमान जो निकोबार है ये नॉर्थ की तरफ है, फ्रॉम द निकोबार आइलैंड टूवर्ड्स द साउथ, और जो निकोबार आइलैंड है वो आपका साउथ के तरफ है। इंदिरा पॉइंट इज पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो आपका क्या है, निकोबार आइलैंड का क्या है, पार्ट है। डू यू रिमेम्बर व्हाई इंदिरा पॉइंट इज फेमस, क्या आप इसके पहले के दो तीन चैप्टर में भी हम लोगों ने शुरू शुरू में देखा था इंदिरा पॉइंट के बारे में, तो क्या इसमें आपको बोला जा रहा है डू यू रिमेम्बर व्हाई इंदिरा पॉइंट इज फेमस, मतलब जो इंदिरा पॉइंट है वो किसके किस कारण से फेमस है। बाकी देखिए, सम आइलैंड इज द ग्रुप आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, ओनली सम आइलैंड आर इनहेबिटेड मोस्टली बाय ट्राइबल्स, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी। जो आपका आइलैंड है ये क्या है, आपका वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब ये काम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब जो ज्वालामुखी होता है उस वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई दे आर, और ये क्या है कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ठीक है, और ढका हुआ है चारों तरफ से, घिरा हुआ है किससे, थिक फॉरेस्ट से, मतलब घने जंगलों से, और इसमें कुछ ही मतलब ओनली सम आइलैंड आर इनहेबिटेड, मतलब यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग ही रहते हैं, मोस्टली बाय ट्राइबल्स, मतलब जो आदि मानव ही कहेंगे या फिर जो जंगलों में रहते हैं ना उस टाइप से कुछ ही लोग यहाँ रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी, ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ये क्या है, इसका कैपिटल है, किसका, आपका निकोबार आइलैंड का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड आर क्लोज टू द मलावर कोस्ट, मलावर कोस्ट मतलब समुद्री तट, समुद्री किनारा जो होता है, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ये आपका समुद्री किनारे में साइड ऑफ इंडिया। देयर आर अबाउट 43 आइलैंड, जिस तरह से आपका अंडमान निकोबार में 350 आइलैंड इसमें इस जुड़ा हुआ है, और उसी तरह से लक्षद्वीप में 43 आइलैंड इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। दे हैव अ फ्लैट सरफेस, जो इसका जो क्या है, जो ये फ्लैट सरफेस है मतलब समतल भूमि है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर फार्मर्स और फिशरमैन, यहाँ पर जो फार्मर होते हैं किसान होते हैं और फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले होते हैं यहाँ वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और कावर्टी इज द कैपिटल, यहाँ का कैपिटल क्या है, कावर्टी कैपिटल, और जो कि दिस यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है लाइफ इन द रीजन, नेक्स्ट आपका है लाइफ इन द लाइफ इन द रीजन, यहाँ कारण है आपका लाइफ का, लाइफ यहाँ पर कैसा है, किसकी है, यहाँ ये आपका रीजन है।
The two coastal plains cover some parts of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. ये जो आपका कोस्टल टू कोस्टल ट्रांस है ये कवर किया हुआ है किसको स्टेट्स कुछ स्टेट्स को जिसका मैंने नाम दिया कुछ स्टेट्स को कवर किया हुआ है जैसे कि आपका है गुजरात है महाराष्ट्र है गोवा है कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे ठीक है